नमस्ते, मेरी चैनल मऊ क्रिएशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक रेसिपी जो फेमस बंगाली रेसिपी है, जिसका नाम है प्रॉन मलाई करी। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम प्रॉन लिया है। ये मीडियम साइज का प्रॉन है, आप चाहे तो इससे छोटा साइज का या इससे बड़ा साइज का भी प्रॉन से ये रेसिपी बना सकते हैं। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप अदर्स कोई भी ऑयल से ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन इसका अगर असली टेस्ट आपको चाहिए तो इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए। 10 से 12 काजू लिया है मैंने, जिसको हमें पेस्ट तैयार करना है, इसलिए इसको भिगो के रखा है। 2 मीडियम साइज के ऑनियन, यानी कि 50 ग्राम ऑनियन की स्लाइस लिया है मैंने। नमक स्वाद के अनुसार, चीनी स्वाद के अनुसार है। 1 टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च लिया है, जिसका भी हमें एक पेस्ट तैयार करना पड़ेगा। जरूरत के हिसाब से हमें चाहिए पानी। पहले हमें इस प्रॉन में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला लेना है। हाफ टीस्पून करके हमें नमक और हल्दी मिलाना है। मैंने पहले गैस को ऑन कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और प्रॉन को मैं फ्राई करूंगी। पहले मेरा ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्रॉन, जिसको नमक और हल्दी मिला के रखा है मैंने। हल्का सा काम करेंगे, ज्यादा नहीं। मेरा काम हल्का सा काम हो चुका है, आप हम इसे निकालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें डाला है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। तब तक मेरा ऑनियन फ्राई हो रहा है, तब तक हम टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का एक पेस्ट बना लेते हैं। इसमें देखिए मेरा कितना अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। मेरी मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे।
अब हमें बनाना है काजू का पेस्ट। जब तक मेरा मसाला भून रहा है हम काजू का पेस्ट बना लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए मेरा कितना अच्छा काजू का पेस्ट बनकर तैयार है। देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है और इसमें तेल भी अलग हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें डालेंगे प्रॉन, जो मैंने पहले ही नमक और हल्दी मिलाकर फ्राई करके रखा था। इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी और नमक। इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें जाएगा काजू का पेस्ट। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी में। इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे, 2-3 मिनट तक। देखिए मेरा प्रॉन मलाई करी बनकर तैयार है। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए मेरा प्रॉन मलाई करी बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे पुलाव के साथ या तंदूरी रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा।